नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नज़र आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। आम आदमी पार्टी वैशाली जिला प्रभारी मनोज कुमार साह की अध्यक्षता में जंदाहा में बैठक हुई। बैठक में पार्टी की ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्यता दिलवाने का आह्वान। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक विशेष रिपोर्ट। वैशाली जिला के जंदाहा में आम आदमी पार्टी की बैठक आज दिनांक 26 फरवरी 2022 को समय 11 बजे दिन से जंदाहा प्रखंड कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। जंदाहा प्रखंड के सलाह पंचायत के अशरफी चौक पर बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जंदाहा ब्लॉक प्रभारी जहांगीर आलम ने किए थे। प्रवक्ता के रूप में वैशाली जिला प्रभारी मनोज कुमार साह, मीडिया प्रभारी राजकुमार यादव, महनार विधानसभा प्रभारी डॉक्टर विपिन कुमार, जंदाहा पूर्व ब्लॉक प्रभारी मुंद्रिका सिंह एवं कैप्टन शिव नारायण सिंह ने अपनी अपनी बातें रखी। वैशाली जिला प्रभारी मनोज कुमार साह ने लोगों को पार्टी से जुड़ने का आह्वान करते हुए नवयुक्त जंदाहा ब्लॉक प्रभारी जहांगीर आलम को माला पहनाकर सम्मानित किया। जिला प्रभारी ने पार्टी के द्वारा दिल्ली में जनता के हित में कार्य किया जा रहा है सराहनीय कार्य को बतलाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी के सराहनीय कार्य के कारण ही आज पंजाब में 80 सीट से आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। साथ ही गोवा और उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में भी हमारी बहुमत आ रही है। जिला प्रभारी ने पूछा कि कैसी सरकार चाहिए, जनता को का दिया हुआ टैक्स का रुपया चोरी करने वाले की या जनता के द्वारा दिया गया टैक्स के रुपया बिजली पानी स्कूल अस्पताल वृद्धा पेंशन महिला यात्रा तीर्थ यात्रा सेना और पुलिस वालों की विधवाओं को सहयोग राशि के रूप में 1 करोड़ रुपया देने वाले कि आपकी सरकार है, इत्यादि। वैशाली से दिलीप यादव की रिपोर्ट। आज का बैठक का क्या उद्देश्य है? आज वैशाली जिला के जंदाहा में मोहम्मद जहांगीर आलम जी को जंदाहा का ब्लॉक प्रभारी नियुक्त किया गया, क्योंकि नियुक्ति तो हो गई थी, लेकिन आज जो है उनका सम्मान समारोह था। साथ में और भी जो कार्यकर्ता थे, जो सदस्य बन चुके थे, जो पंचायत प्रभारी बन चुके थे, वार्ड प्रभारी बन चुके थे, उन्हें भी सम्मानित करना था। जिला के द्वारा 27 फरवरी 2022 को पूरे जिला के सभी प्रखंडों में एक बैठक का आयोजन करने के लिए लोगों से आग्रह किया गया था। सारे लोग 27 तारीख को बैठक करने की तैयारी में हैं, लेकिन जंदाहा में हमें 26 को ही बैठक दे दिया गया है। मूल चीज़ ये है कि पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव है। इस चुनाव की तैयारी के लिए पूरे जिले के सभी नगर में अपने अपने क्षेत्र के जो नगर अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, ये सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता नगर निकाय चुनाव लड़ेंगे और नगर कमेटी बनाना जो आवश्यक थी, चुनाव में भी नगर कमेटी बन जाएगी, आगे पंचायत कमेटी बनेगी और 2024 उसके बाद 2025 की तैयारी चल रही है। पंजाब हम जीत रहे हैं और आगे फिर बिहार की पंजाब में कितना सीट से जीत रहे हैं? बहुत ज़्यादा नहीं, 117 सीट है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो ऊपर के हैं उनका भी अनुमान हुआ है, मीडिया वाले का भी अनुमान हुआ है और मैं भी एक अनुमान करता हूँ। क्या लगता है कि आपकी पार्टी से वहाँ सरकार बनेगी? 59 सीट में वहाँ सरकार जो बनती है, हमारी आम आदमी पार्टी जो आम आदमी की पार्टी है, आम आदमी पार्टी 80 सीट लाकर पंजाब में सरकार। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद! अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद! आम आदमी